हेलो एवरीवन, माय सेल्फ परवेज अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, मालेगांव सिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन SYBSC जूलॉजी पेपर सेकंड, दैट इज अप्लाइड जूलॉजी। स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेरिकल्चर। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सेरिकल्चर की जो डेफिनेशन है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। हम सिल्क वर्म को रियरिंग करेंगे और उससे जो हासिल होगा हमें, दैट इज़ रॉ सिल्क। और यू नो वेरी वेल, सेरिकल्चर इज़ अ रेगुलर इंडस्ट्री इन इंडिया, फर्स्ट इन्वेंटेड बाय शू किंग इन चाइना। दिस इज़ रेगुलर इंडस्ट्री, और जो इंडिया में सबसे पहले इस पर रिसर्च करने, इन्वेस्टिगेशन करने वाले पर्सन का नाम है लेफ्रॉय, हु फर्स्ट बिगन इन्वेस्टिगेशन ऑन सिल्क वर्म इन 1904 to 1905 एट पोसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ टसार सिल्क। सेरिकल्चर इज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम विच इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ फूड प्लांट। हमें सिर्फ जो है रॉ सिल्क ही नहीं मिलता है, बल्कि इससे जो है हमको रॉ सिल्क के साथ साथ फूड प्लांट भी मिलते हैं, लाइक मलबेरी प्लांट, क्योंकि जो सिल्क वर्म होते हैं वो दे फीड्स ऑन मलबेरी प्लांट लीव्स। उसके ऊपर जो है उनकी गिज़ा होती है और दे फीड्स ऑन मलबेरी प्लांट लीव्स। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेरिकल्चर। और टुडे इट इज़ वेल नोन कॉटेज इंडस्ट्री अचीविंग कंटिन्यूस प्रोग्रेस थ्रू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। इंडिया हैज़ सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन आसाम, बंगाल, चेन्नई, मैसूर, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर। दिस प्लेसेस आर फेमस फॉर सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ सिल्क अगेंस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ 4.2 मिलियन पाउंड्स पर ईयर। इंडिया 2.5 मिलियन पाउंड सिल्क जो है प्रोड्यूस करता है एक साल में, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की 4.2 मिलियन पाउंड। इट इज़ सेकंड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ टसार सिल्क। सेरिकल्चर इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम विच इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट लाइक मलबेरी, सिल्क वर्म रियरिंग एंड सिल्क रीलिंग, वीविंग एंड मार्केटिंग। सिर्फ हम इसमें रियरिंग ही नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही साथ कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट्स भी है, जैसे कि हम इसमें मलबेरी के फूड प्लांट का कल्टीवेशन करेंगे, और फिर इसी तरीके से सिल्क वर्म रियरिंग ये एक चीज़ है, और फिर सिल्क रीलिंग, और सिल्क को फिर क्या किया जाएगा, वीविंग किया जाएगा। लास्ट में आफ्टर रीलिंग और वीविंग लास्ट में मार्केटिंग की जाएंगी। दिस ऑल आर प्रोसेस। इसीलिए सेरिकल्चर को हम मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम कहते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट सेरिकल्चर इज़ अ लेबर इंटेंसिव एज वेल एज एग्रो इंडस्ट्री। सेरिकल्चर में बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री को हम एग्रो इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये सेरिकल्चर इंडस्ट्री दैट इज़ कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रो इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री हैज़ एग्रो इंडस्ट्री विथ लेस इन्वेस्टमेंट रिच डिविडेंड। यहाँ पर हमको बहुत कम पैसे में इंडस्ट्री को संभालना होता है इसमें, और इसमें जो है पैसे भी कम लगते हैं, इस इंडस्ट्री को शुरू करने में पैसे भी कम लगते हैं, और जो है रिच डिविडेंड भी है।
or the modern silk industry in India has grown to meet the domestic rather than export requirement. This industry provides employment opportunity to about 6 million people in India. Near about 6 million people को ये industry रोज़गार प्रदान करती है, employment की opportunity देती है. So this is very important as a employment opportunity. इसलिए सेरीकल्चर की जो importance है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है. नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज स्पेसिस ऑफ सिल्क वर्म. मेनी स्पेसिस दैट आर फेमस फॉर सिल्क प्रोडक्शन. तो देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले जो स्पेसिस है बॉम्बिक्स मोरी. सिल्क यू नो सिल्क इज प्रिपेयर्ड बाय द स्पेसिस बिलोंग टू द फैमिली बॉम्बेसिडा एंड सैटर्निडा. ये दो फैमिली है जिससे तमाम स्पेसिस जो है बिलोंग करती है. अगर हम बॉम्बिक्स मोरी की बात करते हैं, वेल नोन स्पेसिस ऑफ सिल्क वर्म बिलोंगिंग टू द बॉम्बेसिडा फैमिली. वाइल अगर हम दूसरी स्पेसिस की बात करते हैं इराय तसार मूगा, दिस स्पेसिस बिलोंग्स टू द फैमिली सैटर्निडा. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्पेसिस और वेरी वेल नोन स्पेसिस in India as well as China. Indigenous to India and China. जो native places का that is India or China. You know feeds Bombyx mori feeds on leaf of mulberry. इससे पहले भी मैं point discuss हो चुका है कि Bombyx mori feeds on leaf of mulberry plants. कॉमन नेम जो इसका, क्योंकि ये मलबेरी प्लांट पर रहती है और ग्रो होती है, लाइफ साइकिल भी कंप्लीट करती है, तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ मलबेरी सिल्क वर्म. द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बिक्स मोरी इज़ वाइट और येलो इन कलर. द स्पेसिस यूज्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. नियर अबाउट 95% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, जितने भी सिल्क का प्रोडक्शन 95% जो होता है वो मलबेरी सिल्क वर्म की ही स्पेसिस से उनका प्रोडक्शन होता है. सेकंड है एंथेरा यामामाई. जापानीज ओक सिल्क मौत भी इसे कहते हैं. क्यों इसे जापानीज ओक सिल्क मौत भी कहते हैं? क्योंकि ये ओक प्लांट पर प्रेजेंट होती है. दिस इज़ आल्सो रियर्ड ऑन लार्ज स्केल इन जापान. दिस स्पेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूरोप इन 1861. फिर उसके बाद जो है ये जापान में बहुत ज़्यादा मिकदार में और लार्ज स्केल में रियर होने शुरू हो गई. दिस इज़ अबाउट एंथेरा यामामाई. थर्ड एंथेरा पेरनाई. कॉमन नेम जो इसका है दैट इज़ चाइनीज़ ओक सिल्क वर्म. इसे चाइनीज़ ओक इसीलिए कहते हैं कि चाइना में जो ओक प्लांट होते हैं उन पर ये प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका कॉमन नेम जो रखा गया है दैट इज़ चाइनीज़ ओक सिल्क वर्म. कलर ऑफ सिल्क दैट इज़ पेल बफ इन कलर. नंबर फोर एंथेरा एसएमएनसिस, जिसे हम मल्टी वोल्टाइन सेमी डोमेस्टिकेटेड स्पेसिस कहते हैं. मोस्टली फाउंड इन आसाम में जो है बहुत ज़्यादा ये स्पेसिस पाई जाती है और वहाँ पर यील्ड की जाती है और डोमेस्टिकेटेड मानी जाती है वहाँ पर. उसे सिंपली हम कह सकते हैं कि सेमी डोमेस्टिकेटेड स्पेसिस दैट इज़ इन आसाम. मल्टी वोल्टाइन है और इट यील्ड मूगा सिल्क. इससे जो हासिल होता है हमें प्रोडक्शन ऑफ मूगा सिल्क, जो सिल्क की टाइप है मूगा, वो इसका इससे हमको हासिल होता है. दिस इज़ अबाउट एंथेरा एसामेंसिस. नंबर फिफ्थ एंथेरा पैफिया, कॉमनली नोन एज तसार सिल्क मौत. इसे हम कॉमनली तसार सिल्क मौत कहते हैं.
इट इज़ बायवोल्टाइन और इट यील्ड ब्राउनिश तसार सिल्क विच इज़ रेडिली रिलेबल। इसके इससे जो हासिल होने वाला सिल्क होता है और कोकून होता है, सिंपली हम उसे इजीली रिलेबल बना सकते हैं और उसको रील कर सकते हैं। दिस स्पीसीज मोस्टली प्रेजेंट ऑन और दे फिट्स ऑन बेर साल ओक एंड फिग। थैंक यू वेरी मच।